नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए, खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक घायल व गंभीर हालत में मिला, बताया जा रहा है। फिरोजाबाद थाना रामगढ़ क्षेत्र 60 फुटा रोड पर एक युवक काफी गंभीर हालत में गोल गप्पे के जो वो ठेला लगाता था, अपने ही ठेले के पास पड़ा मिला। घायल की शिनाख्त नहीं हो पाई है, कौन है, कहाँ का है और कहां से आता था, लेकिन वही घायल को तमाम लोग देख रहे थे और तमाशबीन बनकर केवल वीडियो बनाने में व्यस्त थे। घायल का काफी खून बह रहा था, लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की जो उसको उठाकर अस्पताल में इलाज हेतु ले जाया जाए। तो वहीं एक किन्नर का मानवीय चेहरा सामने आया, जिसने मानवता के नाते घायल को उठाकर फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में इलाज हेतु व लेकर आई। वहीं डॉक्टरों ने जब घायल का हाल देखा तो उसको प्राथमिक उपचार देकर हालत गंभीर होने पर आगरा एसएन हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख पा रहे हैं, युवक की हालत काफी गंभीर है और ये तस्वीरें किसी भी इंसान को विचलित कर सकती हैं। घायल की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिरोजाबाद से खास रिपोर्ट देखिए ऋषि पंडित के साथ। ऐसा था, मैं प्रोग्राम के लिए निकल रही थी अपने घर से बाहर, तो ये पड़ाके वाले का ठेला रखो था, तो एकदम ये पीकर रहने कैसे आए, तो ये अचानक एकदम गिरे, तो ये सब हिस्सा ही गायब हो गया। और सब लोग, काफ़ी लोग देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे, पर कोई वहाँ पे उठाने वाला नहीं था। तो मैंने मेरी निकल गई, मैं आई, फिर मेरे संग ही मैंने इन भैया को लिया, फिर हम लोग आए इनको लेकर। अभी इनके घर का कोई पता नहीं ना कोई, ये शीतल वहाँ पे है, क्या नाम है, कश्मीरी गेट लतीम मेडिकल सार्टा रोड पे। ये पता चला ये कौन है क्या? नहीं, अभी इनकी कोई पता नहीं चली कहाँ से कौन है, ये नहीं पता चला।